है, क्या उद्देश्य है? आज शहीद चंद्रशेखर आजाद की इस कर्म भूमि से, उनकी शहादत की इस धरती से, हमारी CYSS की विंग, छात्र युवा संघर्ष समिति की विंग, प्रयागराज से लखनऊ तक एक पदयात्रा की शुरुआत कर रही है। 10 दिवसीय पदयात्रा होगी ये, और इसमें बंसराज दुबे जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे। उनके साथ तमाम छात्र नेता और तमाम संगठनों के लोग जो पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए और जिनके मुद्दों को हम लोगों ने मजबूती से उठाया, वो नौजवान साथी भी इसमें साथ होंगे। ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है। आदित्यनाथ जी ने नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनके सारे वादे झूठे साबित हुए। 14-14 भर्तियां उत्तर प्रदेश में निकाली गईं, लाखों नौजवानों ने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। वो चाहे ASI का मामला हो, वो चाहे SI का मामला हो, दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, ये तमाम मुद्दे को लेकर ये पदयात्रा है। और अगर ये सरकार नहीं सुनती तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अगली सरकार अपनी सरकार बनाएगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। आम आदमी पार्टी ने आज 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद पार्क से शुरू की। जैसा कि मालूम हो कि यह यात्रा आज प्रयागराज से शुरू होगी और 10 जुलाई को लखनऊ में जाके समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार को रोजगार दिलाना, बेरोजगारों का मुद्दा उठाना। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा क्या सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस ये यात्रा रोज 20 किलोमीटर अपनी यात्रा करेगा, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पद यात्रा करेंगे। डॉक्टर संजय सिंह मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब से योगी और मोदी सरकार आई है, रोजगार महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, लोगों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य है पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और महंगाई को कम करना। अब देखना यह है कि वो अपनी बातों में आने वाले वक्त में कितना सही साबित होते हैं। भारत TV 24 के लिए प्रयागराज से नावेद खान।